हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैप्टर 3, गिव एंड टेक। अभी आप ओपन करोगे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39। तो ये पेज पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है, हमको एक स्टोरी सम दिया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखो ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है, हाउ मैनी बल्ब्स। नंबर 1, अ फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे। ऑन द सेकेंड डे इट मेड 123 bulbs. How many bulbs did the factory make altogether? तो देखो first day पे factory ने 270 bulbs बनाए, okay? और second day पे factory ने 123 bulbs बनाए। तो अभी हमसे क्या पूछा है, altogether मतलब एक साथ factory ने total कितने bulbs बनाए, okay? देखो नीचे बॉक्सेस भी दिए हैं, फर्स्ट डे पे 270 बल्ब्स लिखा है ऊपर और सेकेंड डे 123 बल्ब्स लिखा है, और साइड में एक बी है, वो क्या बोलती है, 270 प्लस 123 इज द सम मोर देन 350 और लेस देन 350। वो बोल रही है कि 270 में 123 प्लस करेंगे तो उसका जो टोटल आएगा वो 350 से ज्यादा होगा या 350 से कम होगा। आई थिंक 270 एंड 100 इज 370, द सम इज मोर देन 350। तो अभी वो गैस करती है कि 270 में 100 प्लस करते हैं तो उसका टोटल 370 होता है, तो अभी जो उसका आंसर आएगा वो 350 से ज्यादा होगा। तो अभी इसी पेज पे नीचे सम दिया है, हम प्लस करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन, पहले देखो स्टेटमेंट लिखा है बल्ब्स मेड ऑन फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे पे कितने बने थे 270, और बल्ब्स मेड ऑन सेकेंड डे, तो सेकेंड डे पे कितने बने थे 123। अब हमको ऐड करना है तो इसलिए प्लस का साइन है। पहले जीरो में 3 प्लस करेंगे तो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3, 7 प्लस 2, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9, और 2 प्लस 1, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 393। तो टोटल दोनों दिन के बल्ब्स मिला के फैक्ट्री में 393 बल्ब्स बने, और 393 350 से ज़्यादा होता है, इट्स मोर देन 350, सो बी वॉज राइट। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। I hope you understood.